नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। सरकार ने जारी किया 20 रुपए का सिक्का, 1, 2, 5 और 10 रुपए के क्वाइंस में हुए अहम बदलाव। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए का सिक्का जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार होगा जब 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के बाद अब 20 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। ये सिक्के दृष्टिबाधितों की सुविधा को देखते हुए जारी किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये सिक्का जारी किया। आरबीआई की ओर से जल्द ही बाजार में आने वाले 20 रुपए के नए सिक्के अन्य क्वाइन की तरह गोलाकार नहीं होंगे। आपको बता दें, ये सिक्के होंगे पॉलीगॉन यानी 12 बहुभुज, जिस पर अनाज का चिन्ह बना होगा। 12 कोने वाला होगा 20 रुपए का सिक्का। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 20 रुपए का सिक्का 12 कोनों वाला होगा। इसका वजन करीब 8.5 ग्राम का होगा। इस नए सिक्के के बाहर की रिंग पर 65% तांबा, 15% जिंक, 20% निकेल होगा, जबकि अंदर की रिंग पर 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% निकेल होगा। 20 रुपए के नए सिक्के के सामने अशोक पिलर होगा, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके अलावा हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। सिक्के की खूबी, आरबीआई की ओर से जारी होने वाले इस 20 रुपए के नए सिक्के में कई खूबियां हैं, जैसे कि सिक्के की छपाई किस साल हुई थी, इसकी जानकारी क्वाइन पर रहेगी। इसके अलावा रुपए का नया चिन्ह भी इस पर होगा। अभी 10 रुपए के सिक्के के कोनों पर चिन्ह है, ये 20 रुपए के सिक्के पर नहीं होंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 10 रुपए का सिक्का आज से 10 साल पहले मार्च 2009 में जारी किया था, लेकिन इस बीच कई सिक्के आए और बदलाव हुआ। सिक्कों के नए सीरीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है सरकार। इन सिक्कों को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इन सिक्कों की लॉन्चिंग के अवसर पर पीएम मोदी के साथ साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। अब देखना यह है कि ये सिक्के बाजार में कब उपलब्ध होते हैं। कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।